तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ऐसे पांच फोन की बात करने वाले हैं जो कि मैंने पर्सनली यूज करे हैं 30,000 रुपीज के प्राइस ब्रैकेट में। वो फोन काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और हर फोन एक अलग ऑडियंस को टारगेट करता है। जैसे कि कोई फोन गेमर्स के लिए है, कोई फोन एक अच्छा यूजर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा रहा है, किसी का कैमरा अच्छा है। तो यहाँ पर अलग अलग यूजर के लिए अलग अलग फोन हमने रखने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरी देखना ताकि आपको ये अंदाज हो जाए कि आपके लिए कौन सा फोन ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा नाम पीयूष है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। हम 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करने वाले हैं और वीडियो अच्छी लगे वीडियो लाइक जरूर कर देना। तो देखो पहला फोन है मोटोरोला का एज 40 अंडर 30,000 रुपीज ये वाला फोन है और इस फोन की जो ऑडियंस है वो है भाई जो प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहती है। ये फोन उन लोगों को टारगेट करता है। बेसिकली अगर इस फोन की इन हैंड फील देखी जाए तो काफी प्रीमियम है, पतला सा फोन है, बैक में लेदर टेक्सचर मिलता है जिसकी वजह से आप विदाउट कवरेज फोन को चलाओगे तो ग्रिप बहुत बढ़िया बनती है। और भाई फोन मेरे को पर्सनली इन हैंड फील के मामले में तो एक नंबर लगा है। बाकी यहाँ पर जो फ्रंट है वो भी कर्व है जिसकी वजह से राउंड एजेस होने की वजह से जो ग्रिप बनती है ना फोन की वो काफी अच्छी है और एक अच्छा एक्सपीरियंस देती है। प्लस जो डिस्प्ले है पीओलेड है जिसकी वजह से बेजल चिन्ह कम है, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, फुल एचडी प्लस है। एंड यहाँ पर जो मैंने जितना देखा जितना एक्सपीरियंस करा इसके डिस्प्ले के साथ मेरे को कोई शिकायत नहीं आता कि आउटर विजिबिलिटी भी अच्छी है और इसमें आपको स्मूथनेस बहुत अच्छी मिल रही है क्योंकि 144Hz का रिफ्रेश रेट है। तो यहाँ पर भी कोई कमी नहीं है। अब मोटोरोला इन हैंड फील के साथ जो अच्छी चीज देता है वो है इसका यूआई एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपको एक तरीके से स्टॉक एंड्रॉइड ही मिलता है जिसमें कुछ कस्टमाइजेशन करी है मोटोरोला ने और उसके बाद इसका नाम रख दिया है माई यूएक्स। यहाँ पर कोई ब्लॉटवेयर नहीं है, कोई प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन नहीं, किसी तरीके की पुश नोटिफिकेशन भी नहीं मिलती है। बस यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थोड़े बहुत बग हैं जो कि हर यूआई के अंदर मिलते हैं। और जो मोटोरोला की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आपको काफी कम लोग बताएंगे वो है इसकी अपडेट के साथ। लाइक यहाँ पर अपडेट इनकी बहुत ज्यादा डिले है, अगर फोन के अंदर कुछ कमी आती है तो अपडेट से जल्दी फिक्स नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर ऐसा भी हुआ है कि 2-2 साल की अपडेट बोली है कंपनी ने और 1 साल ही अपडेट प्रोवाइड कराई है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम है अपडेट को लेकर और ये जाकर आप ऑनलाइन भी आर्टिकल पढ़ सकते हो इसके बारे में। मतलब मोटोरोला अपने प्रोडक्ट को फ्रीक्वेंटली लॉन्च करे जा रहा है लेकिन उसमें अपडेट फ्रीक्वेंटली नहीं दे पा रहा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बाकी इस फोन के अंदर जो डायमेंसिटी 8020 प्रोसेसर मिलता है ना ये मल्टीटास्किंग आराम से हैंडल कर लेता है, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी अच्छी है इस फोन की, FS 3.1 की स्टोरेज मिलती है। बट यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो इसके अंदर हैवी टास्क करने की जैसे कि आपको तगड़ी गेमिंग करनी है तो देखो वो नहीं हो पाएगी। यहाँ पर आप अपना माइंड फ्रेश करने के लिए कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, वो अच्छे से हैंडल कर लेगा। लेकिन जैसे आप फुल सेटिंग्स पे प्ले करने की सोचोगे गेम तो वहां पर आपको डेफिनेटली जिटरिंग मिलेगी। हालांकि इस फोन के अंदर कोई भी हीटिंग इश्यूज वगैरह नहीं है बट हैवी टास्क में हल्का सा वॉर्म होता है और रीजन सिंपल सा है भाई। यहाँ पर एक तो देखो फोन पतला है और पीछे जो लेदर टेक्सचर दिया ना वो थोड़ा हीट ट्रैप करता है जिसकी वजह से डिस्प्ले से हल्का सा वॉर्म आपको फील होगा जब आप गेमिंग करोगे, वो भी तगड़ी तरीके से। इसके अलावा इस फोन के अंदर जो मेरे को एक कमी लगी है, लाइक मोटोरोला ने बहुत टाइम से अपने कैमरा इंप्रूव करें लेकिन अभी भी कैमरा इतने अच्छे नहीं है कि इस प्राइस रेंज की ऑडियंस को सेटिस्फाई कर पाए। क्योंकि मैंने जितना भी इसके कैमरास को एक्सपीरियंस कराया यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट मोड मिलते हैं जैसे कि 35mm 50mm पोर्ट्रेट मोड के अंदर, लेकिन यहाँ पर ओवर शार्पनिंग की दिक्कत है और पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन अच्छा नहीं करता है। बाकी यहाँ पर नॉर्मल फोटो तो ठीक कैप्चर कर लेता है लेकिन लाइट कंट्रोल की मेरे को दिक्कत लगी थी। एंड अगेन जब जूम करते हैं इमेज तो भाई मजा नहीं आता भले यहाँ पर कितने भी मेगापिक्सल का कैमरा दिया हो। तो यहाँ पर मेरे को लगता है कि कैमरास में अभी भी कहीं ना कहीं ये फोन काफी पीछे है। इसके अलावा जो मोटोरोला एक बहुत सही चीज देता है वो भाई इसका बैटरी बैकअप है। एक तो यहाँ पर पतला सा फोन है जिसकी वजह से 4400mAh की बैटरी है बट यहाँ पर भाई फिर भी आपको एक दिन का तगड़ा बैटरी बैकअप मिलता है इस फोन के साथ। बाकी यहाँ पर बॉक्स के अंदर चार्जर भी है और ये फोन IP68 रेटिंग के साथ आता है तो थोड़ा बहुत पानी जाएगा तो उसे बचा भी लेगा। हालांकि कोई भी कंपनी वाटर रेटिंग की गारंटी नहीं देती है तो वो आप अपने रिस्क पे देखना। तो मैंने जितना इस फोन को एक्सपीरियंस करा ना मैं इतना समझा कि ये उन लोगों के लिए फोन है जिनको ऑल ओवर एक बैलेंस फोन चलेगा लेकिन एक अच्छा प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए तो वो लोग इसको बाय कर सकते हैं। बाकी अगर आप बाय करना चाहते हैं एफिलिएट लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर आप वहां से बाय करोगे तो थोड़ा चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। अब देखो इस फोन के तो कैमरास अच्छे नहीं थे लेकिन अब जो मैं फोन बताने वाला हूँ ये स्पेशली अपने कैमरा के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर मिलते हैं और यहाँ पर फ्रंट कैमरा ही 50MP का है। ये है वीवो का V29। अब इसका प्राइस अगर आप ऑनलाइन देखोगे तो 30,000 से ज्यादा है, 31 या 32,000 रुपीज का है बट ऑफलाइन के अंदर आपको 30,000 के अंदर ही ये फोन मिल जाएगा। अब इस फोन का लुक काफी अच्छा है, यहाँ पर मेरे पास तो एक ग्लॉस ब्लू कलर में था जो हिमालयन टेक्सचर के साथ आता है एक तरीके से, यहाँ पर काफी अच्छा है। बट भाई V29 के अंदर एक स्पेशल कलर भी मिलता है जो है रेड कलर और ये कलर भी चेंज करता है और मैट फिनिश के साथ है। तो ये वाला कलर भी आपको एक अलग मिलता है V29 प्रो के कंपैरिजन में, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये वाला कलर। बाकी यहाँ पर इन हैंड फील बहुत अच्छी है, फोन की कर्व डिस्प्ले मिलती है, डिस्प्ले की क्वालिटी एक नंबर है, फुल एचडी डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ क्योंकि एमोलेड पैनल है। अब यहाँ पर इस फोन के कैमरास पर ही चले ना तो 50MP का मेन कैमरा है और फ्रंट कैमरा 50MP का है, दोनों ही 4K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, यहाँ पर क्लियरिटी काफी अच्छी है। पोर्ट्रेट वीडियो मोड स्पेशली मेरे को बहुत बढ़िया लगा था क्योंकि यहाँ पर एज डिटेक्शन वगैरह एक नंबर मिलता है एंड फोटोज जब कैप्चर करते हैं नॉर्मल वाली भाई वहां पर क्वालिटी अच्छी है, लाइट कंट्रोल अच्छा है। लेकिन जो मेरे को सबसे बेस्ट पार्ट लगता है वो है पोर्ट्रेट फोटोज का, यहाँ पर आपको जो फिल्टर मिलते हैं ना वो काफी अच्छे से वर्क करते हैं, स्पेशली जो वेडिंग स्टाइल फोटोग्राफी मोड है ये भाई फोटो ही एक अलग तरीके से निकाल के देता है, ऐसे मतलब मेरे को एडिट करने की जरूरत ही नहीं और काफी सिनेमैटिक फोटो लगती है। बाकी नाइट के भी कुछ फिल्टर्स मिल जाते हैं और लो लाइटिंग परफॉर्मेंस भी इस फोन की एक नंबर है और इन्होंने ओरा लाइट भी डाली जिसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। बट
यहाँ पर मेरे को एक दिक्कत लगती है इस फोन में। यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड दिया है ना, इसकी क्लियरिटी मेरे को अच्छी नहीं लगी। यहाँ पर जूम करोगे देखो बिल्कुल हेजी हेजी सी इमेज मिलती है। अब पहले लगा था मेरे को कि कैमरा लेंस साफ नहीं है, लेकिन साफ करके भी बहुत कैप्चर करी, तो मेरे को लगता है यहाँ पर इस कैमरे के साथ ही कुछ प्रॉब्लम है। बाकी अल्ट्रा वाइड मैं सीधा बोलूं तो मेरे को अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा डेफिनेटली इसका बहुत इंप्रेसिव है। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसके अंदर स्नैपड्रैगन 778G प्रोसेसर है, हमने पहले भी यूज करा है भाई, मल्टीटास्किंग और नॉर्मल यूजेज में बढ़िया प्रोसेसर है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग भी अच्छी है और इस फोन के अंदर फ्रंट टच ओएस मिलता है, तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत यूआई के अंदर बग्स मिल जाते हैं। बट वीवो और आईक्यू की एक खासियत है कि अपडेट से जल्दी शॉर्ट आउट कर देते हैं अपने बग्स को, तो ये वाला पार्ट ठीक है। बट यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप सोच रहे हो इसके अंदर तगड़ी गेमिंग करने की, उसके लिए नहीं है। यहाँ पर भी आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, फुल सेटिंग्स पे भी जो गेम प्ले वो मेरे को ठीक मिला, बट लंबे टाइम जब खेलोगे तो फोन के अंदर जिटरिंग मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो वो वाला सीन यहाँ पर भी है। बट ये फोन सीधा जो टारगेट करता है वो उन लोगों के ही है जिनको एक अच्छे डिजाइन के साथ भाई एक अच्छे कैमरा चाहिए, तो डेफिनेटली उनको ये फोन मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। और थोड़ा सा जो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा वो स्पीकर्स के अंदर है और हैप्टिक्स में, क्योंकि स्पीकर्स यहाँ पर आपको मोनो मिलते हैं। हालांकि साउंड क्वालिटी अच्छी है बट स्टीरियो स्पीकर्स के साथ एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है, तो वो वाला पार्ट मिस है। और जो हैप्टिक्स है वो भी स्प्रिंग ही दिए गए इसके अंदर। बाकी बैटरी मिलती है 4600 mAh की, नॉर्मल टू हैवी यूजेज में एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से निकाल रहा है। तो ऑल ओवर ये फोन जैसे मैंने बताया कैमरा सेंट्रिक फोन है, तो उठा लो अगर आपको कैमरा अच्छे चाहिए। अब नेक्स्ट फोन है आईक्यू का। भाई ये फोन उन लोगों के लिए जिनको एक तकड़ी गेमिंग के लिए फोन चाहिए, क्योंकि इस फोन की अगर आप गेमिंग परफॉर्मेंस को कंपेयर करोगे ना 80-90 हज़ार वाले फोन से, तो उनको भी सीधी टक्कर दे देता है। और इस फोन का नाम है आईक्यू नियो 7 प्रो। अब इस फोन का प्राइस 1,500 रुपए ज्यादा है 30,000 रुपए से आफ्टर ऑफर, और मैं इस फोन को इसलिए रख रहा हूँ भाई 30,000 रुपए का अगर फोन ले रहे हो तो 1,500 रुपए एक्स्ट्रा देके अगर आपको तगड़ी परफॉर्मेंस और तगड़े कैमरा मिल रहे हैं तो वो देने में कोई बुराई नहीं लगती मेरे को। अब इस फोन का जो टेक्सचर है बैक का वो मेरे को अच्छा लगा, हालांकि प्लास्टिक बैक है और कलर भी ऑरेंज वाला डेफिनेटली बहुत सुंदर लगता है। फ्रंट यहाँ पर फ्लैट है क्योंकि अभी तक जितने भी हमने फोन बताए थे वो कर्व डिस्प्ले के साथ मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है। और ये जैसे कि गेमिंग सेंट्रिक फोन है तो इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी भी गेमर्स को टारगेट करती है, थोड़ा यहाँ पर हायर कॉन्ट्रास्ट शार्पनेस ज्यादा मिलती है। बाकी यहाँ पर डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस अच्छी है, बेजल चिन इन्होंने कम करे थे लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में, और यहाँ पर इन डिस्प्ले भी काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। अब इस फोन की जो स्पेशल चीज है वो है स्नैपड्रैगन 8+ Gen 1 की ताकत मिलती है। भाई 8+ Gen 1 और 8 Gen 2 में ज्यादा फर्क नहीं है जितना भी हमने अभी तक एक्सपीरियंस करा है। यहाँ पर वीडियो रेंडरिंग वगैरह बहुत अच्छी मिलती है और गेमिंग परफॉर्मेंस आप इसमें फुल सेटिंग्स पे भी खेलोगे तो कोई जिटरिंग कोई लैग नहीं है। ऊपर से यहाँ पर मोड्स भी गेम मोड के अंदर काफी सारे मिल जाते हैं, तो गेमर्स के लिए एक बहुत बढ़िया फोन है जिसको मैं रिकमेंड कर सकता हूँ। और स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं, अगर आप विदाउट ईयरफोन भी खेलना चाहते हो तो मस्त खेल सकते हो। यहाँ पर साउंड क्वालिटी भी अच्छी है और हैप्टिक्स भी इस फोन के बहुत बढ़िया है। बाकी जैसे कि आपको सुनने में आ रहा है कि भाई ये तो गेम सेंट्रिक फोन है कैमरा बेकार होंगे, तो कैमराज भी इस फोन के काफी इंप्रेसिव है। 30,000 के प्राइस ब्रैकेट में ये कह सकता हूँ कि अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो गेमिंग के साथ अच्छे कैमराज दे तो इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि फ्रंट कैमरे क्वालिटी आप खुद देख सकते हो और बैक कैमरा भी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और जैसे कि भी वीवो के अंदर था 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर अल्ट्रा वाइड भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। बाकी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह बढ़िया है, बैक में 4K का ऑप्शन मिलता है, फ्रंट में 1080p का। तो यहाँ पर मेरे को ये फोन एक तरीके से ऑलराउंडर फोन लगता है गेमिंग के साथ साथ। इसके अलावा इसके अंदर 5000 mAh का बैटरी है ताकि गेमर्स को कोई कमी ना हो, तो बैटरी बैकअप भी यहाँ पर तगड़ा है। अगर यहाँ पर आप तगड़ी गेमिंग भी करोगे ना तो पूरा एक दिन निकाल देगा, बैटरी बैकअप इसका सॉलिड है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से ये फोन उन लोगों के लिए जिनको तगड़ी गेमिंग और तगड़े कैमरा चाहिए और 1,500 रुपए वो एक्स्ट्रा लगा सकते हैं फोन पे, तो आप बाय कर सकते हो इसे। अब नेक्स्ट कंपनी का फोन है जिनको वैसे तो मैं कम रिकमेंड करता हूँ, और ये है पोगो। और इसको मैं कम रिकमेंड इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई इनके मदरबोर्ड उड़ जाते हैं, और इसके बारे में हम खुलकर बात करते हैं तो आजकल मैं देख रहा हूँ कि पोको ने रिव्यू यूनिट भेजना बंद कर दिया है काफी लोगों को, और उन्होंने प्रमोशन का एक अलग ही तरीका अपना है। अगर आप मीम पेज पे जाके देखोगे तो पोको के आजकल आपने देखा होगा कि काफी ज्यादा प्रमोशन चल रहे हैं, यहाँ तक कि ये शोज को भी स्पॉन्सर करने लगे हैं। चलो शोज स्पॉन्सर करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये कॉमेडियन तक से भाई प्रमोशन करा रहे हैं, तो ये एक ऐसी ऑडियंस पकड़ रहे हैं जो कि टैगी ज्यादा है ही नहीं, बस उनके कान में ये डालना है कि भाई ये पोको का फोन है, अच्छा अच्छे कैमराज हैं तो जाके ले लो, बट उनको ये नहीं पता कि भाई मदरबोर्ड का इनमें कितना इशू है। तो यहाँ पर मदरबोर्ड को लेकर इन्होंने क्या करा कि 1 साल की एक्स्ट्रा वारंटी देनी स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पर ये वाला फोन जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि भाई अगर आपको 31,000 रुपीज पे नहीं करने, अंडर 25,000 ही आपको तगड़ी परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए, तो मेरे को लगता है कि यही एक फोन है, और ये है पोको F5। भाई इस फोन के अंदर अगर बात करें 7+ Gen 2 प्रोसेसर दिया है, और ये प्रोसेसर 8 सीरीज के प्रोसेसर के बराबर का है। यहाँ पर तगड़ी गेमिंग मिलती है भाई, आप कितनी भी गेमिंग कर लो कोई भी दिक्कत नहीं आती, इसके अंदर जिटरिंग वगैरह नहीं है फुल सेटिंग्स में। एंड इस फोन की जो डिस्प्ले है वो भी अच्छी है, यहाँ पर एक तो 10+2B डिस्प्ले दिया इन्होंने, हालांकि ये सॉफ्टवेयर से अचीव करी है, और यहाँ पर 68 बिलियन कलर शो कर सकते हैं इसकी डिस्प्ले, लेकिन भाई ऐसा कॉन्टेंट अवेलेबल ही नहीं है जो 68 बिलियन कलर शो कर सके, तो यहाँ पर इतना फर्क पता नहीं लगता। बट ऑल ओवर जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मेरे को बढ़िया लगी थी, बेजल चिन भी कम थे क्योंकि यहाँ पर ओलेड डिस्प्ले दी थी, और डॉल्बी विजन भी सपोर्ट करती है डिस्प्ले, तो आप HDR वगैरह के साथ डॉल्बी विजन कंटेंट भी स्ट्रीम कर सकते हो। बाकी डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है इसमें, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया, तो पोको यहाँ कॉस्ट कटिंग करता है। अभी यहाँ पर इस फोन के
के जो कैमरास हैं वो मेरे को थोड़े कमजोर लगे थे, क्योंकि इन्होंने खुद ने X5 Pro निकाला था ना 20,000 के अंदर, उसके कैमरास इससे ज्यादा बढ़िया थे। मैंने इसकी वीडियो के अंदर खुल के बात करी भी थी और उसी के बाद मेरे को यूनिट आना बंद हो गई है। तो कैमरास तो वीक है इस फोन के, बट मेरे हिसाब से 25,000 रुपए में अगर आपको तगड़ी गेमिंग के लिए कोई फोन चाहिए तो कोई भी इसका ही नाम लेगा। बाकी 5,000 mAh की बैटरी है, 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग मिलती है और अच्छी बात यह कि बॉक्स के अंदर चार्जर भी मिलता है। तो आप इसको देख सकते हो, क्योंकि अभी तक हमने इसका कोई केस सुना नहीं है मदरबोर्ड रिलेटेड, तो भाई 25,000 रुपए मेरे हिसाब से तो एक अच्छी डील है। अब लास्ट फोन जो है भाई, ये जब आया था 60,000 रुपए का था, लेकिन 2 महीने बाद ये भी इसका प्राइस 30,000 रुपए हो गया और काफी ज्यादा बिके हैं फोन, और ये है S21 FE 888 वाला। अब इसके साथ ना एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि जब ये आया था 256 GB वेरिएंट था, लेकिन जब फ्लिपकार्ट की सेल में ये बिका तो 128 GB था, तो काफी लोगों ने कहा एक्सनस वाले डिलीवर हो रहे हैं, लेकिन जब लोगों के पास यूनिट रिसीव हुई है तो उसमें पता लगा है 888 के साथ ही है। तो यहाँ पर मेरे को लगता है सिर्फ ऑनलाइन इन्होंने 128 GB सेल करना स्टार्ट करा है। अब अच्छी बात यह है कि भाई एक ऐसे ब्रांड की तरफ से हमें एक पावरफुल फोन मिल रहा है, जिनके खुद के 45,000 वाले फोन देखूं तो 20,000 वाली परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यहाँ पर इसके अंदर 888 जो है ना, उसकी वजह से एक फायदा यह है कि Exynos 2100 वाला जो वेरिएंट था उसके अंदर बैटरी रिलेटेड काफी इश्यूज थे, क्योंकि कुछ लोगों के ना बैटरी ड्रेन इशू मिल रहा था, लेकिन 888 के साथ अभी तक हमने कुछ भी ऐसा नहीं सुना। ऊपर से उसके अंदर जैसे कि हार्डकोर गेमिंग नहीं हो सकती थी, तो अभी आप इसके अंदर गेमिंग कर सकते हो। हालांकि अभी मैं कहूंगा कि इस प्राइस सेगमेंट से अगर आप कंपेयर करोगे, जैसे कि आइकोनियो 7 है या पोको F5 हो गया, उनके कंपैरिजन में अभी भी गेमिंग परफॉर्मेंस आपको कमजोर मिलेगी, बट इस फोन को जो अच्छा बनाता है वो है इसका UI एक्सपीरियंस। यहाँ पर वन UI मिलता है, थोड़े बहुत ब्लॉटवेयर है, पुश नोटिफिकेशन मिलेगी जिनको आप बंद कर सकते हो तो वो कोई इशू नहीं है, लेकिन बेस्ट पार्ट ये है कि एक तो इसके अंदर आपको जो अपडेट मिलती है वो पूरे 4 साल की मिलेगी मेजर, और 5 साल का सिक्योरिटी पैच है। अब जब ये 1 साल लेट आया इंडिया के अंदर तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी कि भाई यहाँ पर हमें 1 साल कम अपडेट मिलेगी, बट सैमसंग ने क्लियर करा है कि 4 साल ही मेजर अपडेट मिलेगी अब से और 5 साल का सिक्योरिटी पैच मिलेगा, तो मेरे को ये बात अच्छी लगी है। बाकी IP68 रेटिंग के साथ आता है, तगड़ी डिस्प्ले मिलती है कम बेजल चिन के साथ, इन हैंड फील अच्छी है फोन की, और कैमरास भी वन ऑफ द बेस्ट है इस प्राइस सेगमेंट में। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ एक पावरफुल फोन ढूंढ रहे हो एक अच्छे कैमरास के साथ, तो ये वाला फोन सबकी नीड फुलफिल करता है। बाकी आप बताना अगर आपने S21 FE 30,000 रुपए में बाय करा था फ्लिपकार्ट सेल में तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, वो कमेंट में मुझे बता सकते हो। तो मेरे हिसाब से 30,000 रुपए में यही कुछ फोन है जो कि अभी लेने लायक है। बाकी अगर आपके हिसाब से कोई ऐसा फोन है जो कि हमने मिस करा है इस लिस्ट के अंदर तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सभी के एफिलिएट लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, अगर आप वहां से बाय करोगे तो हमारे चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, मेरा नाम है पीयूष, तो मिलते हैं जल्द कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जॉन मैगस टू वॉच योर हार्ट फील स्टे ट्यून्ड विद HFE अनबॉक्स गाइस।